नमस्कार, मेरे साथ हैं बीजेपी के लोकसभा कैंडिडेट योगेंद्र चंदोलिया जी। योगेंद्र जी, आज का ये आक्रोश प्रदर्शन है, ये क्या दर्शा रहा है? पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता वीरेंद्र सरजेवा जी के नेतृत्व में, आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में केजरीवाल के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे थे। अब साबित हो गया, हाईकोर्ट ने भी उनको क्लीन चिट नहीं दी। आज वो गिरफ्तार है, वो तड़प रहे हैं। आज जहाँ भी अन्ना हजारे होंगे, आज वो शर्मा रहे होंगे, शर्मिंदा होंगे कि जिस बीमारी को, कीटाणु को या रामलीला मैदान में छोड़कर गए थे, उसने दिल्ली के किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं है। और ये न्यायालय के अंदर साबित होगा कि अरविंद केजरीवाल दोषी हैं। अब वो जेल से सरकार चलाना चाहते हैं, कहां गया वो आम आदमी? कभी सरकारें जेल से नहीं चला करती, सरकारें चलाने के लिए सेक्रेटरी होता है। जेल में तो गुंडे मुजरिमों का को भेजा जाता है, इसलिए एलजी साहब को तुरंत इनकी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। एक चीज और देखने को मिल रही कि जब से अंदर गए हैं केजरीवाल जी, रोजाना एक आदेश जारी कर रहे हैं, कभी हेल्थ का, कभी पानी का, तो उनको अब क्यों एहसास हो रहा है कि इसमें कमी रह गई है क्षेत्र? देखिए, कमी उनको लग रहा है कि अगर मैं बाहर होता तो मैं ये कर देता। आपने कुछ किया ही नहीं। आपने 82,000 करोड़ का घोटाला जल बोर्ड में किया, शराब में घोटाला किया, बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाया, मनी लॉन्ड्रिंग की। आपके 3-3 नेता जेल के अंदर है, चौथा जाने वाला है। अभी तो सौरभ भारद्वाज भी जल बोर्ड के चेयरमैन रहे थे, जब उनके पर आंच आई वो भी जाएंगे। और पंजाब गया हुआ राघव चड्ढा, मैंने तो उसका कोई बयान सुना नहीं। राघव चड्ढा भी जो है तिहाड़ में जाएगा जल बोर्ड के अध्यक्ष के नाते, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली में जो कांग्रेस का शासन था, जल बोर्ड प्रॉफिट में होता था। आज 9.5 साल में अरविंद केजरीवाल ने उस 82,000 करोड़ का घोटाला किया है। मेरा एक पर्सन है अरविंद सिंह लवली, जो शीला दीक्षित के मंत्रिमंडल में थे, उनमें साहस है क्या ये पूछने का? जब हमने सत्ता छोड़ी थी तो दिल्ली जल बोर्ड फायदे में था, और आज जो है दिल्ली जल बोर्ड 82,000 करोड़ के घाटे में है। क्या किया? दोनों समझौता कर रहे हैं, ये नापाक गठबंधन है, क्योंकि उसमें जो पैसा था करप्शन का, उसमें कांग्रेस पार्टी भी इन्वॉल्व है जी। और आपने कहा गठबंधन की बात करी, तो लेकिन गठबंधन के तहत कांग्रेस तो अब तक अपने प्रत्याशी भी नहीं दे पाई है। कांग्रेस का कुछ बचा ही नहीं है। कांग्रेस दिल्ली में नहीं, पूरे देश में खत्म हो गई है। आप देखिए, ममता बनर्जी ने क्या समझौता कर लिया उनसे? उनसे कोई समझौता नहीं करेगा, ना उनके पास कुछ है। जब तक राहुल गांधी है, राहुल गांधी बहुत लंबे समय तक राजनीति उसको करनी चाहिए, कि जिससे कि कांग्रेस का जो जमीन पर गाड़ने का काम जो कर रहे हैं, वो हमारे लिए ही काम कर रहे हैं राहुल गांधी। एक प्रश्न और है कि आपने भारतीय जनता पार्टी, आप बरसों से दिल्ली की स्थानीय राजनीति में हैं, दिल्ली की मेयर को भी अब एहसास हो रहा है कि जब 1.5 साल 1.5 साल का शासन कर लिया, कि नहीं ये तो हम कर ही नहीं पा रहे, या ये गलतियां जो है हमसे हो गई हैं। जो हम उनको शैली जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी 2 दिन पहले हुआ है, उसमें उन्होंने तमाम ठीकरे बीजेपी पर फोड़े, जबकि 1.5 साल से वो सत्ता में है। देखिए, उनकी पुरानी आदत है, डॉक्टर शैली ओबराय ने कुछ नहीं किया, कॉर्पोरेशन में आप सरकार के अंदर हो और आप जो है ठीकरा फोड़ते रहो। ये 30 तारीख नोट कर लीजिए, 30 अप्रैल तक संविधान में एक अमेंडमेंट है हमारा नगर निगम का, एक्ट कहता है कि अप्रैल के महीने से लेकर आप चुनाव कराएंगे मेयर का। अब तो मेयर भी उनका रहने वाला नहीं है जी, मेयर भी रहने वाला नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।